तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे एक अर्नाउ वीडियो में। दोस्तों जैसे कि मैं आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पर वीडियो में अभी मेरे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर कुछ मुझे जानकारी मिली कि ये पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हम अपने वीडियो को अच्छा खासा रीच पहुंचाने के लिए, व्यूज लाने के लिए, सब्सक्राइबर बेस बढ़ाने के लिए हम बहुत से ऐसे अपने चैनल पर ट्रिक लगा चुके होते हैं जो कि हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने वीडियो को कितना अच्छा वीडियो हम अपना एडिट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, बहुत सारे हम वहां पर ये भी देखते हैं कि हम अपने चैनल पर अपने वीडियो में SEO भी करते हैं ताकि अपना भी वीडियो रैंक में आए। लेकिन रैंक में क्यों नहीं आता? क्योंकि दोस्तों आपके जिस वीडियो आप बना रहे हैं उससे वीडियो, जिस टॉपिक पे आप बना रहे हैं उससे पहले बड़े यूट्यूबर आपका वीडियो बना चुके हैं, जो कि उनका वीडियो रैंक कर रहा है। जो आप सर्च करोगे तो सबसे देखना आप उनका ही वीडियो आएगा, आपका वीडियो नहीं आएगा। आपका वीडियो कैसे आएगा, कैसे उसमें व्यूज आएगा? आपके वीडियो में सजेस्टेड में व्यूज आएगा या सब्सक्राइबर बढ़ेगा। आपका वीडियो जिस टॉपिक पे है या तो आप सजेशन में उनका वीडियो उनके नीचे शो होगा, या तो चैनल पेज से देखा जाएगा, या अदर फीचर्स ऐसे बहुत सारे वहां पर टॉपिक भी होता है, यहां पर आप उनके हिसाब से जान सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताया था YT स्टूडियो के बारे में, जो आप आसानी से जान सकते हैं। तो आपको पता है दोस्तों यहां पर टाइटल उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइटल आप सर्चेबल भी टॉपिक भी लिखते होंगे तो आप यूट्यूब में देखना कई ऐसे टाइटल भी हैं जो यहां पर सर्चेबल भी नहीं होते। उनको कैसे सर्च की करके हर कोई देखेगा क्या? शॉर्ट्स रहता है, शॉर्ट्स में भी आप लोगों को बहुत सारा ऐसा टाइटल मिल जाएगा जहां आप सर्च करोगे वो नहीं मिल पाएगा, सर्चेबल टॉपिक शायद नहीं हो पाएगा। तो कितना टाइटल को आप सर्च करोगे बताओ? नहीं कर पाओगे। तो इसमें हर एक वीडियो सर्चेबल टॉपिक पर नहीं रहता, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो सर्चेबल टॉपिक पर नहीं होते हुए भी रैंक में करता है और अच्छा खासा उसमें व्यूज आता है, वायरल चला जाता है। आपको पता होगा कि सर्चेबल टॉपिक में वीडियो बनाए, सर्चेबल टॉपिक पर वीडियो बनाए, मैं भी बोलता हूं, हर एक यूट्यूबर भी बोलता है, लेकिन हर एक यूट्यूब वीडियो में सर्चेबल टॉपिक पे हटवे बिना सर्चेबल टॉपिक पर भी होता है, जिसे हम सर्च करके नहीं देख पाते, वो सीधा ब्राउज फीचर से आता है, सजेस्टेड में आता है, और बहुत सारा ऐसा टाइटल है जो हमेशा, क्या आपका वीडियो कोई सर्च करके देखेगा? इसका वीडियो है जो भी है सर्च करेगा नहीं देखेगा, जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक पर जो सर्च करेगा तो उसमें सजेस्ट में आपका वीडियो आएगा। क्योंकि बड़े ऐसे यूट्यूबर है जिसका वीडियो हमेशा टॉप पर रैंक करता है और उनका एकदम SEO वेसियो सब दुनियादारी बोलते हैं, उनका हर एक सब्सक्राइबर बेस बहुत सारा है और वो टॉप पे चैनल चल रहा है, उनका सब्सक्राइबर बेस बहुत ही ज्यादा है जो उनका रैंक किया होता है। आपका वीडियो में नहीं रैंक है, नहीं SEO है तरीका से, नहीं आप बोलते हैं कि कई जने यूट्यूबर है टाइटल टेक्स लगाओ, ये वायरल करो, ये ट्रिक करो, तो भाई कोई वायरल ट्रिक नहीं होता, अपने काम पर ध्यान दीजिए। और अच्छा खासा एक पॉइंट जो बताने वाला हूं, टाइटल जितना मैटर नहीं करता उससे ज्यादा आपका थंबनेल मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई जने का थंबनेल देख के क्लिक करता है, जितना टाइटल इतना अच्छा नहीं लिखा होता उससे ज्यादा यहाँ पर थंबनेल करके यहाँ देख के क्लिक किया होता है, क्योंकि थंबनेल उनको अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। थंबनेल इतना इंपॉर्टेंट है जो आपका वीडियो वायरल करने में बहुत ही मददगार है। आपका वीडियो यदि आप सर्च में भी नहीं आ रहा है, ब्राउज फीचर्स में जा रहा है, यूट्यूब सजेस्ट कर रहा है किसी वीडियो में, तो आपको देखना आपका वीडियो वही वायरल हो जाएगा। आपका सर्च में कोई जरूरी नहीं है कि सर्च में ही आए। तो इसलिए आप एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जितना भी आप सर्चेबल टॉपिक पे साथ साथ वीडियो बना रहे हैं उससे ज्यादा आप थंबनेल पर ध्यान दीजिए कि थंबनेल हम किस तरह अपने वीडियो को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोगों तक पहुंचाएगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा उनको, लगेगा कि हम आपके वीडियो में क्लिक करेंगे, क्या अच्छा थंबनेल बनाया है इसको हम क्लिक करेंगे, ऐसा बोले लोग, ऐसा थंबनेल बनाइए जो कि ऑडियंस के पास हर सजेस्ट करे यूट्यूब तो यहां पर क्लिक ही करें। तो थंबनेल बहुत ही मैटर करता है दोस्तों, यहां पर SEO से जितना रैंक नहीं करता उससे ज्यादा थंबनेल पर यहां वीडियो, बहुत सारा ऐसे वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा जो कुछ नहीं रहता, टाइटल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाला रहता, फिर भी थंबनेल की वजह से वीडियो वायरल जाता है। आपने कई ऐसे वीडियो देखा होगा जो कि ना ही टैग है, ना ही
टाइटल टैग्स है और वो थंबनेल की वजह से वीडियो वायरल हुआ रहता है। तो आप थंबनेल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके वीडियो में वायरल करने के लिए एक मददगार है। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप जितना भी वीडियो डालते हैं उसमें अपना थंबनेल बिल्कुल चेक कीजिए कि उतना उसमें क्लिक रेट थ्रू कितना है, जो YouTube समझ जाता है कि आपके थंबनेल में कितना क्लिक रेट थ्रू है, जो कैसा है थंबनेल, ये सारा चीज मैटर आपके थंबनेल पर भी करता है। तो थंबनेल जितना अच्छा बनाएंगे उससे ज्यादा आपसे ध्यान दीजिए, आप एट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए और ज्यादा से ज्यादा थंबनेल में टाइम दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कुछ ही मिनट में आप थंबनेल कैसे इजिली बना सकते हैं, आप क्रिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि थंबनेल आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका वीडियो वायरल में और इंप्रेशन क्लिक रेट थ्रू में यहां पर आपकी मदद करेगा। आपका जितना ज्यादा अच्छा थंबनेल रहेगा उतना अच्छा ज्यादा चांस है कि आपके वीडियो में अच्छा खासा रीच पहुंचे और व्यूज आए। तो वीडियो को देर ना करते हुए चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं कि हम एक छोटा सा टाइम लेंगे और आप लोगों को थंबनेल में कुछ बताने वाला हूं, जो आप कुछ सीखने को मिलेगा और आप उसमें कुछ नए तरीके से आप थंबनेल में बदलाव ला सकते हैं। तो वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप सारा चीज आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर ही बताता हूं, ताकि आप आसानी से सीख पाओ। कई लोग भाई ऐसे हैं जो थंबनेल बनाने के लिए नहीं आता, यहाँ पर आप लोगों को पिक्सल लैब से आपको थंबनेल कैसे बनाना है ये मैं बताने वाला हूँ। आप हमेशा आप डाउनलोड करके रखिएगा, वहीं से आप हम थंबनेल बनाते हैं और आप भी यहाँ से अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। तो वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को सारा चीज मैं बताता हूँ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताते हैं आप लोगों को कैसे थंबनेल बनाना है। कुछ एग्जांपल पर बताने वाला हूं, जो आप एग्जांपल पर यहां पर थंबनेल बना सकते हैं, जो कि इजीली यहां पर आप थंबनेल कुछ ही समय में आप बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को पिक्सल लैब होना जरूरी है, आप प्ले स्टोर में अवेलेबल है, यहां पर डाउनलोड कर लेना। तो यहां पर दोस्तों हम अपना पिक्सल लैब पर आ चुके हैं और यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे इमेज साइज, जो इस साइज में हम थंबनेल बनाना चाहते हैं, जिसमें थंबनेल क्रिएट करेंगे वो साइज हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। तो आपको यहां पर हर एक कैटेगरी में आप लोगों को साइज मिल जाएगा, यहाँ पर देखना कस्टम है, स्क्वायर है, प्रोफाइल पिक्चर्स है, थंबनेल यूट्यूब चैनल बैनर है, यूट्यूब थंबनेल है, फेसबुक कवर आर्ट है, गूगल प्लस कवर फोटो है, ट्विटर हेडर साइज है, ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है यूट्यूब थंबनेल्स। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 720 का है, यहाँ पर कुछ रेशियो बताया जाता है, ये अपना यहाँ पर इंटरफेस ऐसा देखने को मिलेगा। अब क्या करना है दोस्तों, इसको हम एक अलग से कलर में इसको लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कलर चेंज करेंगे, जो भी आप कलर रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर कुछ कलर लगते हैं, आपको एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए हम इसको रेड लगते हैं, यहाँ पर रेड रखें और हमको एक साइड का हम रेड रखेंगे और एक साइड का थोड़ा अलग कलर रखेंगे। तो हम आपको क्लियर बताते हैं कि कौन सा आप उसमें हमको कलर रखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर घुमा दिया और यहाँ पर जो कलर है यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हमको नीचे वाला जो है वो क्या करेंगे, हम ब्लैक सा रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल कुछ इस तरह दिखाई देगा, तो आप आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ अलग से कलर रखे हैं और हमको यहाँ पर थोड़ा एक्सचेंज कर देना है, ताकि हम सही तरीके से कस्टमाइज कर पाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ इस तरह लगाए हैं और हम इसको कुछ यहाँ पर कुछ बता देते हैं, जो कि हम इम्पोर्टेंट सेटिंग है। यहाँ पर हमने ब्लैक देखा, ब्लैक ही रखा है और ब्लैक में, ताकि थोड़ा थंबनेल सही दिखे, ताकि बनाने में भी आसानी हो। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसमें जिस थंबनेल के बारे में आप लिखना चाहते हैं ये सारा चीज़ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जैसे मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं, 5 मिनट में आपको थंबनेल बनाना है ना। तो मोबाइल से आप यहाँ पर हिंदी टाइपिंग कर लेना, मोबाइल से यहाँ पर कुछ लिखा है टेक्स्ट में, थोड़ी दिक्कत है, तो हम यहाँ से हिंदी करके लिख लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल से 5 मिनट में, ये बस हमें इतना लिखें, यहाँ पर थोड़ा अपने साइज के हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। मोबाइल से 5 मिनट में, और यहाँ पर और सिलेक्ट करेंगे मोबाइल से 5 मिनट में, थंबनेल्स कैसे, यहाँ पर हम कैसे लिख देते हैं, कैसे बनाएं ये यहाँ पर कुछ इस तरह हम इसको लिख देते हैं, ताकि थोड़ा ये यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कर दें,
मोबाइल से 5 मिनट में थंबनेल बनाएं, जहाँ पर आप टॉपिक जिस भी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिए, ताकि थोड़ा देखने में इंटरेस्टेड लगे। यहाँ पर हम कुछ शेप लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि इस बार थंबनेल थोड़ा एट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ आकार ले लेंगे जो शेप बोलते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर शेप में ही इसको रखना चाहते हैं, तो हम इसको यहीं पर सिलेक्ट करेंगे और फिर हम इसको ये वाला अपना है इसको फ्रंट करेंगे, फ्रंट में करेंगे ताकि अपना जो नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे जो लिखे हैं वो। अब इसको हम जो अक्षर है उसको हम कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे, हम इसको येलो भी कर दे सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको इसका साइज है इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा दिखे भी। ये देखिए यहाँ पर अब ये सही दिख रहा है। तो आपको अब कैसे मोबाइल से 5 मिनट में थंबनेल कैसे बनाएं 2023 ऐसे कुछ हम यहाँ पर कुछ लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देते हैं 2023 में, यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं मैं नया तरीका यहाँ कुछ लिख देते हैं तरीका ऐसा, यहाँ पर कुछ नया वर्ड लिखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि बहुत सारे ऐसे थंबनेल में लिखा होता है, तो आप आसानी से यहाँ पर कुछ नया करने का कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ऐसा कुछ हम लोगों को चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर एक मेन सर्च मेन यहाँ पर एप्स है, वहाँ पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट यहाँ पर आप सर्च करना, आप लोगों को बहुत कुछ कलर में मिल जाएगा। तो मैंने इजीली मैं पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, आप बनाना चाहते हैं तो अपने हाथ से बना सकते हैं, और ये नहीं बनाना चाहते तो आपको उस ऐप के माध्यम से आप उसके ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप बनाया था दोस्तों, ये मैं सबसे पहले देख लेता हूँ ताकि यहाँ पर आप लोग वीडियो लॉन्ग ना करते हुए आप लोग इजीली मैं समझा पाऊँ, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो आप बोरिंग हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो लिया हूँ वो बनाया हूँ वो देख लेता है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए जल्दी से वीडियो आप लोगों को समझा देते हैं। यहाँ पर मैंने जो बनाया था ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बनाने के लिए बहुत ही ईजिली है, आप इजीली बना सकते हैं या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को पिक्सल ऐप से आप इजीली बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कुछ बनाया था, तो हम यहाँ पर इसको टर्निंग करेंगे और इसको हम बड़ा कर देंगे ताकि यहाँ पर ये समझ आए कि कैसे इसको लगाना है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। आप नहीं समझ पाओगे तो इसको लगा भी नहीं सकोगे, तो हम इसको ऐसे मोड़ लेते हैं ताकि यहाँ पर हम इजीली लगा पाएँ। ये देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इजीली ये ऐसे फ्रंट करके कुछ ऐसे लगा देते हैं ताकि ये अपने थंबनेल में प्रॉपर बैठ जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर यहाँ अपना आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आप ऐसे थंबनेल इजीली बना सकते हैं। हम इसको सबसे पहले स्क्रीन लॉक कर देंगे जहाँ पर हमने कुछ लिया था, और हम यहाँ पर इसको बराबर तरीके से सही तरीके से इसको सेट कर देंगे ताकि ये बन जाए। तो हम यहाँ पर ये सेट हो गया दोस्तों, और इसको हम जो ट्रांसपेरेंट है ये इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि अपने जो थंबनेल में है बाकी पार्ट बिल्कुल दिखाई ना दे। तो यहाँ पर ये अपना ऐसा इंटरफेस देखने मिलेगा। अब इसको हम कलर में फटाफट कर लेते हैं, जिस भी आप कलर में रखना चाहो आप इजीली रख सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको कलर में कर देते हैं ताकि सही लगे, आप इसको कोई भी एक कलर में आप इजीली रख सकते हो। मैं इसको ट्रांसपेरेंट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ऐसे करके आप थंबनेल इजीली बना सकते हैं दोस्तों, जो भी आप बनाना चाहो। यहाँ पर हम इसको चाहे ग्रीन रखें चाहे कुछ कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं ताकि थोड़ा दिखने में भी एट्रैक्टिव लगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ ले लेते हैं ताकि ईजिली हो यहाँ पर बनाने में, मैं ग्रीन भी ले सकता हूँ, वाइट भी ले सकता हूँ, येलो भी ले सकता हूँ, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पर कलर हैं बहुत सारे आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो लिया है और हम इसको लॉक कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर जो पिक है अपना जो फ़ोटो है, हम किस भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन सा फ़ोटो लगाना है। तो सबसे पहले हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं फ़ोटो जिसे हमें अपने थंबनेल में लगाना है। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हम फ़ोटो यहाँ पर लगाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम बगल अगल कर सकते हैं, जो भी अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कस्टमाइज कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हम फ़ोटो लगा चुके हैं। तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं इजीली, और यहाँ पर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और हम यहाँ पर इसको लॉक कर देंगे ताकि ये अपना अदर एडिटिंग में ही लेना। तो हम इसको लॉक कर दिए हैं, और अब चलते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर हम थंबनेल लेना है, जिसको भी हम थंबनेल में यहाँ पर बता रहे हैं ये थंबनेल हमको लेना है ताकि हम इजीली यहाँ पर लगा सकें। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमने पहले से दो थंबनेल बना के रखा है जो इसमें हम लगा सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हम ये थंबनेल ले लेते हैं ताकि इजीली यहाँ पर ये वीडियो में दिखाई दे थंबनेल, और यहाँ पर फ्रंट में देखने के लिए थोड़ा सही लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम ये दो थंबनेल है जो कि हमने बनाए हैं। तो हम इसको स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा लास्ट में रखेंगे ताकि यहाँ पर हम अपने थंबनेल यहाँ पर सही तरीके से लगा पाएँ। ये देखिए, यहाँ पर हम एक सेलेक्ट किया और हम चलते हैं नेक्स्ट थंबनेल पर जो कि हमने पहले से बना के यहाँ पर रखा है। तो ये इसको हम थोड़ा क्रॉप करके इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ पर उसको भी यहाँ पर लगा देंगे ताकि आप इजीली यहाँ पर समझ पाओ। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि थंबनेल आपको कैसे कैसे कहाँ से कहाँ लेना है। हम इसको क्रॉप करेंगे और यहाँ पर थोड़ा से कुछ एंगल में यहाँ पर लगाएंगे ताकि थोड़ा दिखने में भी सही लगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो ताकि अट्रैक्टिव लगे यहाँ पर थंबनेल, दिखने में भी थोड़ा सही लगे। अब इसको हम स्टॉक कर देंगे। स्टॉक कैसे करेंगे दोस्तों, हम इजीली आप लोगों को बता दें। स्टॉक यहाँ पर इसको क्या करना है, आप लोगों को जितना भी साइज में आप लोगों को रखना है यहाँ पर साइज रख लेना, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर स्टॉक कर देना है ताकि थोड़ा जो हेडलाइन है वो थोड़ा सही तरीके से दिखे। यहाँ पर स्टॉक लिखा हुआ है, यहाँ पर हेडलाइन पर यहाँ पर इसको इनेबल कर देना और वाइट जो भी आप लेना चाहते हैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा चूज़ कर लेना। हम येलो रखेंगे तो येलो रख सकते हैं, जिसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना ताकि यहाँ पर थोड़ा सही लगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपना थंबनेल ये यहाँ पर अब रेडी होने वाला है और हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे। कैसे कस्टमाइज करेंगे इसको, हम जो फ़ॉन्ट साइज है ये हमको थोड़ा सही तरीके से करना है। तो यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर हम बी को सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ पर बी से सिलेक्ट करेंगे, जो फ़ॉन्ट साइज है थोड़ा एट्रेक्टिव लगे। देख लीजिए यहाँ पर अपना आ चुका फ़ॉन्ट साइज और हम इसको अब कस्टमाइज करके, यहाँ पर बहुत सारे कलर मिलता है, आप कलर पर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, जितना भी आप कलर लेना चाहते हैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर कलर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप ऐसे करके कस्टमाइज कर लेना, आप जो भी कलर लगाना चाहें इजीली यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं इसको यहाँ पर स्टॉक करेंगे। स्टॉक में क्या है दोस्तों, यहाँ पर हेडलाइन थोड़ा एकदम एट्रेक्टिव लगने लगता है जो कि बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम स्टॉक यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिए हैं। अब इसको हम क्या करना है, स्टॉक करना है, जो भी आप स्टॉक करना चाहें अपने हिसाब से, जो भी कलर में आप करना चाहें लगा सकते हैं। वाइट तो पहले से भी है, ब्लैक है, आप जो भी लगाना चाहें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, लेकिन स्टॉक में मेरे ख्याल से ये सही नहीं लग रहा है। और हम इसको स्टॉक ना लगाते हुए अब नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर स्टॉक लगाने के लिए कैसा रहेगा। तो हम इसको स्टॉक लगा कर देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे तो सही नहीं लग रहा है स्टॉक में, और थोड़ा ब्लैक सही लग रहा है, तो हम ब्लैक में इसको रखेंगे। और अब हम यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूट्यूब की। यूट्यूब का लोगो यहाँ पर आपको ईजिली मिल जाएगा, आप यहीं पर सर्च में यहाँ पर ऐप से बताया था, यहाँ पर आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत सारा यहाँ पर इमेज मिल जाएगा जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नो कॉपीराइट। और हम यहाँ पर यूट्यूब का लोगो लगाने वाले हैं जो कि यहाँ पर हम पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, और हम उसको लेने के बाद आपको बताएंगे पूरा डिटेल में कि आप कैसे थंबनेल इसमें इजीली बना सकते हैं, क्योंकि थंबनेल बहुत ही मैटर करता है दोस्तों, क्योंकि थंबनेल यूट्यूब के लिए ग्रो करने के लिए बहुत ही मददगार है। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं थंबनेल पर ध्यान देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि थंबनेल ऐसा चीज़ है जो हमको एक क्लिक से ही वीडियो वायरल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लिक मतलब लोगों को पसंद आ रहा है थंबनेल। आप लोगों को थंबनेल पसंद आएगा तभी तो क्लिक करेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर लोगों के लिए कुछ अच्छा थंबनेल बनाना है, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे ताकि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह और लगा सकें। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने कॉपी कर ली और हम यूट्यूब को ऐसे कुछ एंगल से रखने वाले हैं, और कुछ यूट्यूब को हम एक और कॉपी करेंगे, जिसे यहाँ पर हम इसको सिर्फ सिंपल दिखाने के लिए, डेमो के लिए लगाएंगे, जैसे यहाँ पर ये आप इजीली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और मैं आपको एग्जांपल में आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर हमने एक यूट्यूब को हमको अब इसको स्टॉक करना है ताकि थोड़ा हेडलाइन थोड़ा सही दिखे। यहाँ पर हम नीला भी लगा सकते हैं या ब्लैक भी लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। और आप काम करते रहोगे, यूट्यूब पर भी ध्यान दोगे और कस्टमाइज़ करते रहोगे तो हो जाएगा, सब इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर हम ये हो चुका है, यहाँ पर हम इसको और क्रॉप्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा देखने में सही लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपना थंबनेल इजीली बन के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर अपने इमेज जहाँ पर फ़ोटो लगाएं अपना, इसको हम स्टॉक कर सकते हैं, या तो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज जैसे करना चाहते हैं वैसे हम इजीली कर सकते हैं, थोड़ा देखने में यहाँ पर एट्रेक्टिव लगे। तो अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कलर दिए गए हैं, अपने हिसाब से लगा लेना जो कि बहुत ही शानदार दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर कोई भी एक कलर ले लेते हैं, चूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही दिखे, एट्रेक्टिव दिखे। और हम येलो कलर लेंगे तो येलो में तो सही नहीं लगेगा, ब्लैक ही थोड़ा मेरे ख्याल से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है जो कि हटके थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इजीली यहाँ पर कुछ ही टाइम में अपना थंबनेल बनके रेडी हो चुका है। आप ऐसे ही इजीली वीडियो में थंबनेल बना सकते हैं।
जो कि आपका थंबनेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से एंगल में YouTube का जो लोगो है आप अपने हिसाब से घुमा लीजिएगा ताकि थोड़ा दिखने में भी सही लगे। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा और समझ आ चुका होगा कि थंबनेल कैसे इसमें क्रिएट करना है। और आप लोगों को जैसे अभी मैंने ट्रांसपेरेंट बताया था, ये वाला ट्रांसपेरेंट आप यहाँ पर आप सर्च कर लेना, आप लोगों को इजीली यहाँ पर मिल जाएगा। क्योंकि आपको यदि ये समझ नहीं आ रहा होगा तो आप नहीं बना पाओगे। आपको मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया ट्रांसपेरेंट कैसे बनाना है। आपको यदि नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च में एप्स डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को ट्रांसपेरेंट ऐसे कुछ सर्च करना या थंबनेल के बारे में कुछ लिखना, यहाँ पर बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इतना ही, आप वीडियो में आप लोगों को और नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे ऐसे मोटिवेट वीडियो के साथ और ऐसे थंबनेल के साथ, ताकि आप इजीली यहाँ पर थंबनेल में काम कर पाओ, इजीली अपना चैनल ग्रो कर पाओ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को समझ आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों के बीच में ऐसे ही फुल मोटिवेट वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।